Let's have a look at some questions that we are going to see in AP. You must be knowing how important this chapter is. For a given AP, 5, 10, 15, 20, ... 200. What is the number of term? What is the number of terms? अगर हम लोग देखें तो what is A? A मतलब के first term 5. What is B? Get first second term minus first term, that is 5. And what is An? An को TN भी बोलते हैं और L भी बोलते हैं. तो An equal to TN equal to L equal to 200. Now if you want to find out the number of terms, you have got a formula. An A plus N minus 1 into D. You can write TN, you can write L as well. What is A? A 5. What is N? That we are looking for. What is D? Okay, 5 again. And what is AN or TN or L? That is 200. Now 200 equal to 5 plus 5N minus 5. You can see 5 cancel. So 5N equal to 200. Thus out N equal to 40 is your answer. So that was your first question. Right? Now, if you can see, one more. 7 term. इसको अगर थोड़ा मूव करें. क्वेश्चन इन एन एपी 7 टर्म इज 108 एंड 11 टर्म इज 212. We have to find out the n term. Now, 7 term मतलब कि A7. A7 equal to 108. A7 को लिख सकते हैं A plus 60 as per our explanation and we will give it number 1. Equation 1. 11 term मतलब कि A11 equal to 212. A11 मतलब क्या हुआ? A plus 10D equal to 212. इसको equation 2 नाम दे दो. A plus 60 that is equal to 108. Now you are doing elimination method. Very simple method of chapter 3. Minus, minus, minus. 4D equal to 104. That means D equal to 26 4s are. आपका D आ गया. कोई भी एक इक्वेशन में इसकी वैल्यू रख दो. A plus 10 into 26 हम लोग किस पे रखेंगे पहले में? That is equal to 212. तो A equal to 212 minus 260. अगर आप लोग देखो तो minus 48 आया. मतलब कि पहला टर्म नेगेटिव है. Right? It not necessary नेगेटिव पॉजिटिव टर्म हुआ करते. What is your D? D is turn out to be 26. What is your A? A is turn out to be minus 48. अब हमको कौन सा term find करना है? We have to find out, right? Your term D26 and A you are having. तो हम लोग find करेंगे आपका N term. N term मतलब के An equal to A plus N minus 1 into D. A कितना है? Minus 48. Do we know D? Yes, 26. So minus 48 plus 26N minus 26. Hence 26N minus 8N 64 74. Thus how आपका ये answer आ गया 26N minus 74. एक अच्छा सा question हुआ. Now if you can try the different sums in a different way, so let's see.
क्वेश्चन देखते हैं। वन मोर क्वेश्चन, फोर्थ टर्म की 17, फोर्थ टर्म इज 17 राइट, एंड टेन टर्म मतलब कि ए फोर इक्वल टू 17 हुआ, टेन टर्म मतलब कि ए टेन, टेन टर्म एक्सीड द 7 टर्म, एक्सीड मतलब के ज्यादा राइट, लेस मतलब के कम, एक्सीड द 7 टर्म बाय कितना है 12। आपके पास फोर्थ टर्म दिया है 17 है, आपके पास बाकी का ए टेन ए 7 और ए टेन एक्सीड 7 टर्म बाय 12, पहले ए टेन मतलब के ए प्लस 19 हुआ, ए 7 मतलब के ए प्लस 60 हुआ प्लस 12, ए ए टेन कैंसिल, 19 माइनस 60 3d इक्वल टू 12, दैट मींस d इक्वल टू 4, यू आर गेटिंग d। अब आपके पास एक और इक्वेशन पड़ा हुआ है, यू कैन सी a4 मतलब कि a प्लस 3d इक्वल टू कितना हुआ 17, इन व्हिच व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d, ओके फ्रॉम 1 यू आर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू 3 × 4 दैट इज इक्वल टू 17, तो a प्लस 12 इक्वल टू 17 मतलब कि आपका a कितना आ गया 5, a 5 है d 4 है, और अब आपको पूछा क्या है राइट, आपको पूछा है डिटरमाइन ए बी, तो a कॉमा a प्लस d कॉमा a प्लस 2d कॉमा a प्लस 3d डॉट 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 ऐसा करते जाएंगे, तो व्हाट इज a, तो के 5, व्हाट इज a प्लस d, तो के 5 प्लस 4 9, व्हाट इज a प्लस 2d 5 प्लस 4 इंटू 2 8 13, अगर आप 3 4 4 4 बढ़ाते जाओ तो आपका ऐसी एक ए बी बन जाएगी, तो ये हुआ आपका और एक सम राइट। अब आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और देखो, ये हमने एनसीईआरटी की बुक में से देखा था, बट लुक एट दिस सम, फाइंड टेन टर्म, फाइंड द टेन टर्म फ्रॉम एंड, फ्रॉम एंड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, 3 6 9 12 डॉट 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 300। अब फ्रॉम एंड मतलब कि एक्चुअली ये सीरीज को हमको उठाना पड़ेगा, मतलब कि अगर आपकी सीरीज ऐसी है 3 6 9 12 डॉट 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 300 के पहले क्या आएगा, तो कि 297, उसके पहले क्या आएगा 294, तो ये आपकी एक सीरीज बन गई। अब फाइंड द टेन टर्म फ्रॉम द एंड, फ्रॉम द एंड मतलब कि वी विल ऑल्टर एंटायर सीरीज, तो पहले तो लास्ट टर्म था वो बन गया फर्स्ट टर्म, then 297, then 294, dot dot dot, और आपको लिखना पड़ेगा 9 6 and 3, जो लास्ट टर्म था वो बन गया फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म है वो बन गया लास्ट टर्म। नाउ व्हाट इज ए 300, व्हाट इज बी, तो के 297 माइनस 300 दैट इज माइनस 3। अब आपको कौन सा टर्म फाइंड करना है, तो के ए 10, ए 10 मतलब कि a प्लस 90, व्हाट इज a, तो क्या आपका 300 है, व्हाट इज t, तो के माइनस 3 है, दस आओ 300 माइनस 27 मतलब कि आपका आंसर आया 273। ऐसा एक और सम हम लोग देखेंगे राइट, एंड देन कुछ नए सम्स की ओर जाएंगे। तो देखो फाइन 10 के बदले हम लोग यहां पे ले लेते हैं 15 टर्म, और सीरीज आपकी सीरीज ऑल्टर करते हैं, सीरीज ऑल्टर करेंगे फ्रॉम द एंड, तो आपका क्वेश्चन है 10 15 20 डॉट डॉट डॉट
अब ये सीरीज को उल्टा रहा है आपको, सीरीज को उल्टा है तो 10 आपका लास्ट टर्म हो जाएगा जो फर्स्ट है बराबर, और 1000 जो आपका लास्ट टर्म है वो फर्स्ट टर्म हो जाएगा। तो 1000 इसके पहले का 5 अगर D5 है तो कितना आएगा 995, इसके बाद आएगा 990 डॉट 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 15 और 10। चेक करते हैं व्हाट इज ए, तो कि ए आपका 1000 है। व्हाट इज डी, तो अगर डी चेक करें तो 995 माइनस 1000 दैट इज माइनस 5। पर आपको फाइंड करना है नॉट 10 टर्म, इट इज 15 टर्म। 15 टर्म मतलब कि यहां पे ए प्लस क्या करेंगे 14 डी। Well, let's see one more similar sort of sum. What is A? A is what? 1000. What is D? It is minus 5. So 1000 minus 70, right? That is your 930 is the final answer. So एक किस्म के दो सम हमने देख लिए, right? Now you'd like to see some more sum. So let's have a look at this. Another important one. चलो देखते हैं एक और अच्छा सा क्वेश्चन देखो, and that is very important one. How many terms of AP? 7 11 15 19 23 dot 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 will add up to 900। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन ये लोग पूछते हैं। अब आपके पास क्या क्या है वो देखो, हाउ मेनी टर्म्स, तो भी यहां से आपको इतना तो पता चल जाएगा व्हाट इज ए। दूसरा आपको डी भी पता चल जाएगा 11 माइनस 7 दैट इज 4। और यहां से कुछ कुछ स्टूडेंट्स को गेस करना प्रॉब्लम है, गेस करना प्रॉब्लम है मतलब कि 900 दिया है वो एन है कि ऐसे है। अब एड अप टू दिया है ना जब, तो एड अप टू का मतलब हुआ ऐसे है, मतलब यू हैव गॉट ऐसे है 900। तो आपको ढूंढना क्या है कि n, मतलब कि जब भी आपको ऐसा सम हो तो वन थिंग यू बेटर अंडरस्टैंड, यू हैव टू गो फॉर फैक्टराइजेशन। ऐसे n की फार्मूला रखते हैं, ऐसे n इक्वल टू n बाय 2 टू a प्लस n माइनस 1 इनटू d। अब ऐसे आता है 900, डू वी नो n? नॉट एट ऑल, वी आर लुकिंग फॉर व्हाट इज a। a इज 7, 7 टू सा 14। डू वी नो n? नो। Do we have D? Yes, it is 4. Now, prior to that, we will take 2 on this side. Let's clear this side. 14 plus 4n minus 2. 14 minus 4 मतलब क्या आता, कितना हुआ? 10 plus 4n. Instead of taking 2 on that side, आप लोग अगर थोड़ा बहुत common sense है, तो 2 यहाँ से cancel होने वाला है। कैसे? देखो 2 common निकाल रहा हूँ। 2 कॉमन, तो ब्रैकेट में आएगा 5 प्लस 2n और ये 2n 2 आपका कैंसिल हो गया। अब इक्वेशन बनाओ n इनटू 5 5n n इनटू 2n 2n स्क्वायर इक्वल टू 900। एक इक्वेशन बन गया जिसका फैक्टराइजेशन आपको करना पड़ेगा 5n माइनस 900 इक्वल टू 0। देखो 900 और 2 ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन हुआ 1800। 1800 के ऐसे फैक्टर निकालो कि आपको गैप 5 का मिले। तो अगर मैं तो ऐसे बता सकता हूं कि 45 into 40, पर अगर आपको 45 into 40 नहीं आता है तो आपको क्या करना है, देखो यू मस्ट बी नोइंग 2 900 2 450 देन 2 आप लोग देखो 225 बाद में, राइट आपको बताया है 5 से करेंगे कि 3 से करेंगे 75, राइट 325 और यहां पे 55 ऐसा हुआ, 5 5 25 is
75 3 राइट, बाकी का हुआ। अगर आप लोग देखेंगे 5 3 15 3 45, तो 45 एंड 2 4 8 5 40, मतलब कि 2n² प्लस यहां पे कितना लूं मैं 45n, इसके बदले में यहां माइनस ले लेता हूं, माइनस 40n प्लस 45n माइनस 900 इक्वल टू 0। व्हाट इज कॉमन? 2n कॉमन, n माइनस 20। व्हाट इज कॉमन? 45 कॉमन, n माइनस 20। हेंस योर आंसर n इक्वल टू 20 और n इक्वल टू माइनस 45/2 व्हिच डज नॉट बिलोंग टू n। Ultimately, your answer is what? N equal to 20. You need to mention that whether it is right belongs to N or not. बहुत ही अच्छा सवाल है, right? Keep an eye over this. ऐसा मैं आपको एक और करवा दूँ, right? You will be getting some relief. एक क्वेश्चन ऐसा ही है. How many terms, how many terms of AP 2, 7, 12, 17 add up to 990? Very good question, right? तो देखते हैं अभी add up to 990. वापिस से अगर देखो तो हमारे पास a है, yes. Do we have d? Yes, 7 minus 2, 5. और फिर वापिस exactly what I mentioned earlier on, add up to 990. Add up to 990 मतलब कि आपका SN है, not AM. SN 990 है. Again, what you are looking for? AM. You have to apply your formula SN equal to N by 2 to A plus N minus 1 into D. Put down the value, SN कितना है? 990. Do we have N? No, we are looking for. Do we have A? Yes, 2 2's are 4. Do we have D? Okay, yes, 5 है, 5. Now, N by 2, 4 plus 5N minus 5. अब जरा ध्यान से देखो, last समय मैंने क्या किया था? I didn't allow 2 to go on that side. पर इस बार मेरे पास 2 कॉमन निकले, ऐसा कोई चांस नहीं है. लेट मी टेक ऑन दिस साइड 0, 9 is 18, 1, 9 is 18 and 190. यहां पे n रह गया 5n, 4 minus 5 minus 1, hence 5n² minus n = 1980. इसको भी उस तरफ ले जाओ तो 5n² minus n minus 1980 = 0. अब वापिस से डिफिकल्ट फैक्टर आया, देखो 1980 और 5 को मल्टीप्लाई करो तो अल्टीमेटली अगर आप देखेंगे 9 5 45 4 9 right 9900 9900 आपका टोटल मल्टीप्लिकेशन आया. बीच में आपको एडिशन सबट्रैक्शन करके लाना है 1, तो आपको ऐसे फैक्टर निकालना है कि जिसका गैप 1 हो और मल्टीप्लिकेशन भी 9900 हो. तो देखो 100 × 99 9900 हुआ और 100 और 99 के बीच में गैप कितना हुआ, तो अगर आप देखेंगे -100 + 99n - 1980 = 0. व्हाट इज कॉमन? 5n कॉमन, n - 20. व्हाट इज कॉमन? 99 कॉमन, n - 20, राइट? n - 20 कॉमन, दूसरे ब्रैकेट में 5n + 99. हेंस अगर आप देखो तो n की वैल्यू है 20 और n की वैल्यू है -99/5, दैट डज नॉट बिलोंग्स टू n. कोइंसिडेंटली इसका आंसर भी अगर आप देखेंगे तो 20 ही है, दैट इज बोथ ऑफ देम टॉप क्लास सम, राइट? तो अगर आपको ऐसे सम प्रैक्टिस करने पड़े तो आपको करना है, राइट? तो ऑल काइंड्स ऑफ इंपॉर्टेंट सम्स वी हैव डन अप टिल नाउ. अब यूजुअली जो आपके एमसीक्यूज बाकी है उसको अगर आप लोग प्रैक्टिस करें तो काफी अच्छा है, राइट? तो कुछ एमसीक्यूज करके देन वी स्टॉप.
Now, MCQs. आपका एस एन 5n² + 8n आपको फाइंड करना है an एस एल एस डी। ये हमने आगे भी देखा था राइट, ऐसे सम्स का खास प्रैक्टिस करो तो बी द लास्ट। अब देखो इसकी दो मेथड है, पहले मैं आपको a1 = s1 जब 1 रखो तो a1 भी सेम होता है s1 भी सेम होता है, तो 5 × 1² + 8 × 1 आपका हो गया 5 + 8 = 13। S2 और A2 सेम नहीं है, माइंड वेल A2 एंड S2 आर नॉट सेम, तो जब n में 2 रखेंगे तो A2 नहीं बनेगा। 2 का स्क्वायर 4, 4 × 5 = 20 + 8 = 16 ये आपका हो गया 36। मतलब के S2 - S1 वो आपका आएगा A2। आपके पास एक फॉर्मूला है, बार बार मैं आपको बता रहा हूं, Sn - Sn - 1। S2 कितना है आपका राइट, S2 है आपका 36 और S1 है 13, मतलब कि यहां पे आपके पास कितना आया 23 A2 आया। अब आपको पता है कि A2 - A1 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, D = A2 - A1। तो व्हाट इज A2 - A1, A2 कितना है आपका, A2 23 एंड व्हाट इज A1, तो आपको मिल गया 10, डी मिल गया। और an कैसे फाइंड करेंगे, तो an = a + n - 1 × d। व्हाट इज a कितना है, तो ये रहा 13, रबर 13 है राइट, प्लस n कितना है, तो कि n को कुछ काम नहीं है, d कितना है 10, तो आपको 13 + 10n - 10, मतलब कि अगर आप उसको देखेंगे तो 10n + 3 हुआ। अब जो मैंने आपको डायरेक्ट मेथड सिखाई थी उसकी तरह n का जो पावर होता है, यहाँ पे 2 ही पावर होता है एसएन में, उसको इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करो an फाइंड करने के लिए, तो 2 × 5 और एक पावर कम कर दो, मतलब ये हो गया आपका 10n। फिर n के कोफिशिएंट में से कोफिशिएंट ऑफ n ऑफ n माइनस क्या करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर, मतलब के 8 - 5, जैसा अगर आप लोग देखेंगे तो 10n + 3 ये कोएफिशिएंट और ये पावर, ऐसा एमसीक्यू आया आप सीधा। और n का कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट ऑफ n ऑलवेज डी, दैट इज 10। तो दस आपका आज का सेशन खत्म हुआ, थैंक यू।